ग्वालियर में खुलेआम बदमाशों की तस्वीर देखने को मिली है। यहां पुलिस अधीक्षक कार्यालय के नजदीक बेहद सुरक्षित और पोश एरिया सिटी सेंटर मिश्रा पेट्रोल पंप के नजदीक न्यू ईयर के जश्न के बहाने डिस्को क्लब में घुसने को लेकर दो युवकों ने अपनी महिला मित्रों के साथ खुलेआम पिस्टल लहराई है। इतना ही नहीं, उन्होंने ताबड़तोड़ एक के बाद एक कई राउंड फायर किए हैं। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने हिम्मत करके उन्हें दबोच लिया और पिस्टल छुड़ाकर उनकी जमकर धुनाई कर दी है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। व्यक्ति ने विश्वविद्यालय थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई कि कोस्मो पब नाम का उनका सिटी सेंटर में है और पब के बाहर किसी बात को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया। उसी बात पर से तीन लोगों ने हवाई फायर किए और धक्का मुक्की कर मारपीट कर जान से मारने की धमकी दी, गाली गलौज करी। तो उनकी रिपोर्ट पर से धारा 323-336 आर्म्स एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया। तो आरोपी हिरासत में, आरोपियों को हिरासत में ले लिया और उनसे पूछताछ की। क्या वजह थी पूरे झगड़े की? वजह तो पूछताछ में सामने आएगी कि वजह क्या थी। हथियार बरामद किए, कौन सा हथियार? हथियार जो है, जो हवाई फायर कर रहे हैं तो वो हवाई फायर वाला हथियार भी पूछताछ करके बरामद किया जाए। विवाद का कोई कारण सामने आया कि लड़की भी? पूछताछ पर से क्लियर होगा, क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट दर्ज कराई, पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर लिया, विवेचना कर।